हेलो आर्यन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपके किसी भी Redmi की फोन में साइड से बैक कर सकते हो मतलब कि ये जो नीचे की तरफ तीन बटन आते हैं ना इन तीनों बटंस को आप कैसे हटाओगे और कैसे आप जो है ऐसी सेटिंग करोगे जिससे कि ऐसे साइड से कुछ इस तरीके से आप बैक कर सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो इसके लिए आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहले तो आपको यहां पर आपके Redmi के फोन में सेटिंग्स के ऐप को ओपन कर देना है जैसे आप आपके फोन की सेटिंग के ऐप को ओपन करोगे तो अभी आपको यहां पर बहुत सारी सेटिंग्स दिखाई दे रही होगी तो अभी आपको यहां पर सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना तो यहां पर आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन का ये आप देख सकते हो हमें होम स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको बस इस होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगे तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का ये आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है जो सिस्टम नेविगेशन वाला ऑप्शन है ना इसपे क्लिक करना है इसपे क्लिक करते ही यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे एक तो है बटन्स वाला मतलब कि ये बटन्स वाला तो अभी ये बटन्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर ये तीनों बटन्स दिखाई देंगे लेकिन अगर आपको इन बटन्स को हटाना है और साइड से बैक करना है तो इसके लिए आपको जो जेस्चर्स वाला ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर देना है जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ऐसा बाहर आ जाएगा और ये तीनों बटन्स हट चुके हैं अभी अगर हमें बैक करना होगा तो कुछ इस तरीके से हम साइड से बैक कर सकते हो और दोनों ही साइड से हम कुछ इस तरीके से बैक कर सकते हैं अभी अगर आपको डायरेक्टली होम पेज पे जाना होगा तो कुछ इस तरीके से आप करोगे तो आप डायरेक्टली होम पेज पे आ जाओगे और अगर आपको रिसेंट्स को देखना होगा तो कुछ ऐसे आप करोगे तो यहाँ से आपको रिसेंट्स दिखाई देगे तो कुछ इस तरीके से आप आपके रेडमी के फोन में साइड से बैक कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू सो मच